feels like love. Cupid made a shot. Good morning. तो नए हेयर कट के साथ करते हैं नए दिन की शुरुआत. और आप सबको मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, जो भी क्रिसमस, खुश रहो क्रिसमस. ठीक है, मतलब हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मैरी क्रिसमस होता है, हैप्पी क्रिसमस होता है. क्योंकि हम जिसको मैरी क्रिसमस बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस, जिनको हैप्पी बोलते हैं, नहीं हैप्पी नहीं होता है, मैरी होता है. तो फिर आप लोग बताना कैसा लग रहा है हेयर कट. और आप लोग अगर मेरा व्लॉग देखते होगे तो हम हमेशा इस दिसंबर, लास्ट दिसंबर के टाइम पर ही अपना हेयर कट करवा लेते हैं. और एक साल की छुट्टी हो जाती है और हमेशा ही थोड़ा शॉर्ट करवा लेते हैं हेयर्स को, क्योंकि ना बाल इस वक्त बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और मेरे को बहुत तकलीफ होता है. तो इसीलिए अगर बाल थोड़ा कटे रहेंगे तो थोड़ा रिलैक्स भी रहता है, कम बाल दिखते हैं तो चलता है. और आज है क्रिसमस का दिन, तो क्रिसमस ट्री वगैरह लगा दिया है हमने, बस बलून नहीं लगाया था. तो अब जाएंगे बलून लगाएंगे. हम सोच रहे थे बच्चों के उठने के पहले ही हम पूरा बलून उलून लगा के रख लेंगे, लेकिन हम खुद ही इतना लेट से अभी सो करके उठे. हम उठे 5 मिनट के बाद बच्चों भी उठ गई है. और अभी हम लोग कुछ भी नहीं किए, ब्रश ब्रश कुछ नहीं किए हैं. तो चलो फिर पहले ब्रश व्रश करते, थोड़ा चाय पानी पीते, दूध पीते, उसके बाद हम लोग लगाएंगे बलून और हम लोग पूरा दिन शेयर करेंगे आपके साथ. तो चलो फिर चलते हैं, पहले ब्रश ब्रश कर लेते हैं. ढेर सारे मेथी के साथ मैंने तैयार कर लिया है मेथी का ये आटा. अगर आप बहुत सारे मेथी के साथ मेथी का आटा बनाते हो ना, मतलब मेथी की रोटी बनाते हो, तो वो गजब खाता है. और उसके साथ बन रही है आज जलेबी, क्योंकि आज है क्रिसमस तो कुछ तो स्पेशल होना ही था. तो जलेबी बना लिया और ये जलेबी कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन गई थी, लेकिन ठीक है, फिर भी ये अच्छे से सोक कर लिया इसने. मुझे लगा था कि नहीं करेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से रस पी लिया था अपने अंदर. लो जी भाई, नाश्ता भी रेडी हो गया है. गर्मा गर्म मेथी के पराठे, टमाटर की चटनी, जलेबी और चाय. आज नाश्ते में तो मज़ा ही आ गया था. तो ये है हमारा क्रिसमस ट्री जिसे सजाया है मेरी वंशु ने. इसके पूरे एनिमल्स भी हैं यहाँ पे. बलून वलून सब डेकोरेट कर दिया इसी ने. अभी और भी कुछ डेकोरेशन बाकी है, अभी डेकोरेट नहीं हुआ बलून का, और बाकी है मैम का. दिमाग दर्द कर दे रहा है. हेलो, तो नहा धोवा के हो गए हैं हम, रेडी बहुत देर पहले ही हो गए थे. नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है. नाश्ते में जलेबी खाई थी हम. जलेबी की रेसिपी पहले से ही पता है आपको, तो हम काहे दोबारा बताएं. बहुत दिन से क्या हो रहा था ना, मेरे को मंचूरियन और फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा था. सब्जी वब्जी काट के रख लिया है सारा, सब कुछ सारी सब्जी अभी जस्ट मैंने काट के रखी है. अभी मंचूरियन बॉल्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं. तो पत्ता गोभी हो गया, ये गाजर हो गया, बीन्स हो गया, अदरक मिर्ची मिर्ची सब काट वाट के रख लिया है. और ये जो मंचूरियन है ना, ये हम कोई सॉस वॉस से नहीं बना रहे हैं. यहाँ पे एक आता है ना ये चिंग्स का, तो ये चिंग्स वाले से ही हम बना रहे हैं. और इसमें जैसा लिखा है हम सेम वैसा ही बनाने वाले हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं. तो थोड़ा सा हड़बड़ हड़बड़ चल रहा है, बट कोई नहीं, सब हो जाना है, सब ठीक हो जाना है. अगर कैमरा धोखा ना दे रहा होगा तो अच्छा ही आ रहा होगा, हम देख नहीं पा रहे हैं आज. और जनरली जो मंचूरियन बॉल बनता है ना, उसमें कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लावर और मैदा मिला के बनता है. लेकिन ये जो चिंग्स का पैकेट है उसमें दिया हुआ है, ये बेसन मिला के भी आप बना सकते हैं, मतलब बेसन से ही बनाना है. तो चलो जैसा ये बोल रहा है उसी को फॉलो करते हैं. बस वंशु की कढ़ी बन रही है, ये कढ़ी बन जाएगी, उसके बाद हम बनाएंगे मंचूरियन बॉल्स. तो सारे सब्जियां मैंने मिला लिया है, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, बेसन, अच्छे से मिला करके गोल गोल बॉल तैयार कर लिया मैंने. मंचूरियन का बॉल था छोटा बनता, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया. और साथ ही मैंने बहुत सारी सब्जियां काट के रख ली फ्राइड राइस के लिए और मंचूरियन के लिए. और ये है मेरा जादुई चीज, ये चिंग का मसाला, मंचूरियन मसाला. इसको कुछ नहीं, 2 कप पानी या फिर 300 ml पानी में इसे घोलना था अच्छे से. मैंने अच्छे से घोल करके इसे रख दिया. ये मेरे मंचूरियन बॉल बिठे सिक के तैयार हो चुके हैं. अब तो चलो बनाने के लिए. और कि कढ़ाई में थोड़ा तेल कम कर लिया था, बहुत ज़्यादा तेल है उसमें डाल दिया है. अदरक लहसुन मिर्ची, हरी मिर्ची डाली थी एकदम अच्छे से. उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज, कैप्सिकम, गाजर, जो भी है आपके पास सब्जी, सब बड़ी बड़ी काट के हल्का हाथ डाल करके इसको हल्का चला देना. Oh,
सच बताऊं तो मुझे अंदर से इतना खुशी हो रहा था, जो मैं होटल में खाते थे आज मैं खुद से बना रही हूँ। तो बस जैसे ही पैकेट में लिखा था कि 2 मिनट हल्का फुल्का प्याज भून जाए उसमें, उसके बाद ये घोल डाल देना है और इसे अच्छे से बॉईल करना है। जब ये बॉईल हो जाएगा, बॉईल होने लगेगा, तब इसमें मंचूरियन के बॉल डाल करके थोड़ा और बॉईल करना है 2-3 मिनट, उसके बाद इसे बंद कर देना है। तो जब तक ये बॉईल हो रहा था मैंने इधर अपना फ्राइड राइस भी भूनना स्टार्ट कर दिया था। कुछ नहीं, सब्जियों को हल्का भूना, उसमें चावल डाल करके थोड़ा काली मिर्च का पाउडर और नमक डाल दिया और विनेगर डाल दिया। सोया सॉस भी पड़ता है बट मुझे ना अच्छा नहीं लगता है सोया सॉस का टेस्ट, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ इसमें। तो फाइनली हमारा चाइनीज प्लेटर रेडी हो चुका है, मंचूरियन और फ्राइड राइस। देखो राइस भी बहुत अच्छा खिल के आया और मंचूरियन भी देखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। खाते खाते उठ करके हम आए आपको दिखाने के लिए कि कैसा लग रहा है खाने में। उधर मतलब बना ही नहीं पा रहे थे क्योंकि बन चुकी है ना घर पे। सच बताएं तो ये गजब का है, मतलब मजा आ गया खा के। वैसा है ऑसम, बहुत ही अच्छा बना सच में, मजा आ गया मजा। तो प्लान ऐसा है कि हम चर्च वर्च जाने का सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले मंचू थोड़ा सुलाना पड़ेगा, उसके बाद जाएंगे। तो खाना वाना खा करके थोड़ा रिलैक्स होकर के फिर मिलते हैं आपसे। एक बार बजाना स्टार्ट कर दिए नहीं तो ये रुकेगा ही नहीं, ये बजता ही जाएगा। तब से सोच रहे गिटार बंद हो तो आपसे कुछ बात कर, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसको भी क्रिसमस गिफ्ट में मिला है गिटार, ये बंद करेगी तभी हम आपसे बात कर पाएंगे। फिलहाल लोग चर्च से अच्छे से घूम के आ गए हैं, अभी हम बोल रहे थे चर्च का दर्शन करके आ गए और हमारा क्रिसमस बहुत अच्छा रहा। हमने आज सुबह से बहुत कुछ अच्छा अच्छा खाया, इवन अभी हम लोग रात को भी अच्छा ही खाने वाले हैं। आज हम लोग इडली डोसा ही खाने वाले हैं रात में भी। तो हम लोग आज दिन भर क्रिसमस का बहुत अच्छा बीता है। भाई आज है क्रिसमस का दूसरा दिन, मतलब कल क्रिसमस हो गया अच्छे से। और कल रात में हम लोग बात करने ही वाले थे, मतलब मैं बात करने वाली थी आपसे, लेकिन कल रात से थोड़ी बहुत वंशु क्रैंगे तो गिटार काम ने बजा बजा के दिमाग ख़राब कर दी थी। और फिर सुबह में उसका तबियत बहुत ख़राब हो गया, उसको बहुत ज़्यादा फीवर पकड़ लिया था, फिर उल्टी उल्टी तबाह हो गए थे हम। और अभी हम जस्ट सोकर के उठे हैं, अभी बज रहा है दोपहर का 2। खाना वाना बना के सो गए थे क्योंकि रात में सो नहीं पाए थे तबियत ख़राब के कारण। सबसे बड़ी बात, वंशू का क्रिसमस गिफ्ट सारा बहुत अच्छा आया है। वंशू का कुछ कुछ गिफ्ट आया भी नहीं है, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। और ना ये मंचूरियन ना आप भी ट्राई करके देखना, ये चिंग्स वाला कसम से बहुत टेस्टी। देखो हम जो बाहर खाते हैं ना उसमें भी आपको क्या पता कितना क्या मिला हुआ है, क्या प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है। तो जो लोग मतलब लोग ये ज्ञान देते हैं ना कि नहीं इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, सब बहुत प्रिजर्वेटिव होता है, तो भाई साहब जो आप घर पर बना रहे हो ना उसमें सॉस यूज़ कर रहे हो, सारे के सारे सॉस में भी प्रिजर्वेटिव होता है। कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रहे हो, कॉर्न स्टार्च यूज़ कर रहे हो, उसमें भी प्रिजर्वेटिव होता है। तो मेरे ख्याल से इसको यूज़ करने में कोई भी बुराई नहीं है। 2 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार, 1 महीने में 1 बार खा सकते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं है। चलो भाई अब मैं करती हूँ बाय बाय, क्योंकि वंशू को देखना है, वो ज़्यादा प्रायोरिटी है मेरी। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना और मैं आशा करती हूँ आप लोग ने भी अपना क्रिसमस बहुत जल्द सेलिब्रेट किया हुआ, ठीक है। अगर व्लॉग इतना सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ प्यार देना मत भूलना। क्या अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। चलो बाय बाय, टेक केयर। तुम मेरे को नहीं बनाने देगा कुछ भी व्लॉग।